जो भी आज ये न्यूज़ चल रही है मुझे आप सबके माध्यम से मीडिया के माध्यम से पता चली है। अभी मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है, क्या सिर्फ संजय सिंह निलंबित हुए हैं या पूरी फेडरेशन ही रद्द कर दी। हाँ, तो वो अभी मेरे पास ना पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ आप लोग बस दिखा रहे हो, लेकिन कुछ रिटर्न में अभी आया नहीं है। और जो भी होगा वो मैं आगे आप सबके साथ ज़रूर बात करूँगी। और रही बात दूसरी, मैंने कल रात भी ट्वीट किया था, मैं दो दिन से परेशान हूँ, जब से लेटर निकला है कि नंदी नगर कॉम्पिटिशन कराया जाएगा तो मुझे वही सदमे में हूँ, वही बातें याद आ रही है कि दोबारा से वही नंदी नगर में कॉम्पिटिशन और लखनऊ में कैंप। तो मैं उन बच्चियों के लिए काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी आई बच्चियों की रात को कि दोबारा से वहीं पे, तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हूँ। अभी जो सरकार ने जो कार्रवाई की उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, पहले तो पुख्ता सबूत नहीं है कि ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है, तो रद्द किया गया है, तो जैसा भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मैं आपके साथ ज़रूर बातचीत करूँगी। आगे की रणनीति क्या है आपकी, अभी क्या इंतज़ार क्या कर रही हैं, आगे क्या कर रही? इंतज़ार यही है कि पुख्ता सबूत मिल जाए, रिटर्न में पता चल जाए कि क्या चीज़ रद्द हुई है, फेडरेशन है या संजय सिंह रद्द हुए हैं, तो जैसा भी होगा फिर आगे की प्रतिक्रिया। भूषण सरन सिंह ने पीसी की और कहा है कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले चुका हूँ, मेरा अगला कदम लोकसभा चुनाव है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं उनके लिए थी, और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय मिले। अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूंगी। संजय सिंह को नहीं जानता हूं, वो आप फोटोज तो देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे, तो पद्मश्री को लेकर बजरंग जी आगे कोई